ऑफ। ओके, तो अभी कितने एल्टीट्यूड पे आप, किसी को आइडिया? 2950 कितना? 2950 करीब 2950 वेबसाइट में। तो सबका अलग अलग रहता है, सबका अलग अलग रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे है 2900 मीटर। ओके, अब आप सी लेवल, तो ये आगे पीछे रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। आप कहीं किसी के पास वॉच होगा उसमें कुछ और दिखाएगा, अलग अलग मोबाइल में कुछ अलग दिखाएगा, तो इसका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अभी हम टेंट पिचिंग करेंगे यहाँ पे, आपको डेमो दूंगा मैं कल। अपना टेंट आपने अनपिच भी करना है, ठीक है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पिच भी करना है, क्लियर? अभी तो टेंट पिच कर रहे हैं, अगर बचेंगे तो फिर हम करेंगे, ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले आपको टेंट का पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंट, कितने टाइप के टेंट होते हैं? तीन। कौन कौन से? डोम, फिर ट्रायंगल वाला, फिर एक बार क्या बोलता हूँ। ओके, तो जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम यहाँ पे हिमालय में, ठीक है, तो थ्री टाइप है, बाकी जगह कहीं दूसरी कंट्री में अलग अलग टाइप के रहते हैं। मैं आपको यहाँ का बात, यहीं की बात बता रहा हूँ जो अपना हिमालय में हम यूज करते हैं। फर्स्ट है डोम टेंट, जो आपको दिख रहे हैं, जो लगा रहे हैं देखो ऊपर, डोम टेंट, ठीक है। दूसरा होता है ए शेप टेंट, ठीक है, जो अपना किचन लगा ना अभी, ये ए शेप है। एक होता है अम्ब्रेला टेंट, आपने देखा गोल टाइप का होता है, ऊपर से अम्ब्रेला टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिक तीन टाइप के टेंट यूज करते हैं हम। और हाई एल्टीट्यूड में जब जाते हैं हम, जैसे एक्सपीडिशन या हाई एल्टीट्यूड ट्रैक होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ डोम टेंट यूज होते हैं। ये डोम टेंट क्यों यूज होते हैं, किसी को पता है? एरोडायनामिक ज्यादा है, उड़ता है कम। ओके, सबसे पहले वो लाइट वेट होता है, ठीक है, उसकी जो भी आपकी रॉड देखे हुए, आप जो भी उसका पार्ट्स देखो टेंट के, वो एकदम लाइट वेटेड होता है, ठीक है, तो कैरी करना इजी होता है। उसके बाद जब ये लगता है ग्राउंड पे, तो विंड से भी काफ़ी आपको देता है। जैसे इसका देखो पूरा डोम होगा नीचे, इसका आउटर बिल्कुल टच होता है नीचे। ए शेप का क्या होता है, स्पेस रहता है, वहाँ से विंड आती है अंदर, तो वो थोड़ा रिस्की रहता है हाई एल्टीट्यूड पे, क्लियर? तो अभी आप यहाँ पे डेमो देखेंगे डोम टेंट का, ठीक है। ओके, इसमें भी आपको पता होना चाहिए टेंट के पार्ट, मतलब टेंट में क्या क्या पार्ट होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको टेंट को लेआउट करना है प्रॉपर, ठीक है, वो पीछे थॉन से, पीछे कांटे पवन सर, थॉन से पीछे। ओके, जब भी आप टेंट पिच करते हो, सबसे पहले आपको टेंट को इस तरह से लेआउट करना है। फिर उसके बाद इसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आते हैं आप इस पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो सबसे ऊपर होता है टॉप पे, कवर, कवर आउटर, आउट आउट। ओके, ये आपका रेन प्रूफ, विंड प्रूफ दोनों रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका आता है ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं नेट दिख रहा है, नेट है यहाँ पे हल्का, इसको क्या बोलते हैं, इनर, ठीक है। इसमें नेट नेट रहता है नाइट में, क्योंकि आउटर हवा नहीं छोड़ता है, और हवा भी नहीं, पानी भी नहीं, तो क्या रहता है, जो अंदर वाला पार्ट है उसमें नेट रहता है अंदर, ताकि आपको एयर आए, आपको सफोकेशन ना हो अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट में क्या रहता है, ग्राउंड शीट, ठीक है, यह है ग्राउंड शीट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है ये, क्या बोलते हैं इसको, रॉड, या इसको बोलते हैं पोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोल पोल। और एक और है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, पेग, 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 ठीक है, या हुक भी बोल सकते हैं आप, पेग्स। ओके, ये आपके टेंट के पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब जब भी आप टेंट पिच करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेंट को प्रॉपर लेआउट करना है, फोर कॉर्नर को पकड़ के, ठीक है, पकड़ लिया। टेंट जब भी पिच होता है वो कैसे होता है आपको पता है, वो होता है माउंटेन टू वैली साइड, आपका जो फेस रहेगा वो रहेगा वैली साइड को आगे को, ऐसा नहीं है कि आप फेस पीछे वैली साइड को रखें और आप आगे इस तरह से माउंटेन साइड को, नहीं, माउंटेन टू वैली, क्लियर। और नेक्स्ट, अगर कहीं विंडी प्लेस हो, सपोज बहुत विंडी है वहाँ पे, तो हम इस तरह से लेआउट करके नहीं छोड़ सकते टेंट को, उड़ जाएगा वो,
हमें क्या करना पड़ता है, फोर कॉर्नर पे पहले टैग्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका ये रहता है इसको प्रॉपर फोल्ड करके या किसी पत्थर के पत्थर इसको रखना इस तरह से, क्लियर। नहीं तो ये मिलेगा नहीं आपको, बहुत बिंडी प्लेस होगा। तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं, आप ऐसे प्रॉपर निकाल के रख सकते हैं। जब इतना होगा उसके बाद आपने जो स्टिक्स है इसको प्रॉपर हुक ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे ये देखो प्रॉपर कर दिया ज्वाइन। अब इसमें देखो अलग अलग टाइप की स्टिक्स है, कोई बड़ी है कोई उससे छोटी है, ठीक है। अभी इसमें जो सबसे लंबी स्टिक रहेगी, पहले आपने इसको ज्वाइन करने के बाद सबको एक साथ रखना है इस तरह से, सबको इस तरह से एक साथ रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इनको अलग अलग करना है, क्लियर। सबसे जो लंबी रहती है दो स्टिक है उनको साइड करना है, वो जाएगी डायगोनल, जो टेंट का डायगोनल पार्ट है उसमें। देखो अभी डायगोनल डालो, वो जाएगी डायगोनल, जो आपका आउटर है उसमें डायगोनल जाएगी, सबसे दो लंबी स्टिक, ठीक है, जो सबसे लंबी स्टिक रहेंगी। और उसके बाद देखिए उसका तीन स्टिकर रहेगा ना, उनको फिर से बराबर करना है। उसका उसका दो और रहेंगे उसके उससे उससे लंबी, जैसे ये वाली है दो, उनको उठाना है। ये जाएगी साइड में जो लूप बना है इसमें, ये रखो एक यहाँ पे है साइड में, एक यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगी। स्टिक्स को आराम से लगाना है, ठीक है। अभी तो काफी वो है, गर्मी है, गर्मी में उतना स्टिक को प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हम ठंड में जाते हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो वह क्या होता है अगर हम इनको ज़्यादा जोर से यूज़ करेंगे टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है एकदम से, ठीक है। और जिप का भी सेम, आराम से यूज़ करना है, ठीक है। ठंड में जिप का आप काम नहीं करते, बार बार बोलोगे हमारा जिप लग नहीं रहा, ये हो रहा, उसको एकदम आराम से लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो स्टिक रहती है वो आगे, इसको लगाना अपने डोर में, जो आपका डोर होता है उसमें ये स्टिक लगती है जो फ्रंट है। ओके, जब इतना होगा उसके बाद क्या करना है, आपने सेम डायगोनल जो स्टिक है, तो डायगोनल आपकी स्टिक है वो जाएगी जो यहाँ पे होल दिया ना, देखो यहाँ पे दिया होगा रेड कलर का, ठीक है, इन दोनों होल के अंदर जाएगा। इनको इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। और जो ये वाला है, ये वाला पॉइंट सबको दिख रहा है, ये वाला जाएगा इन होल के अंदर इस तरह से, ठीक है। बस इतना ही करना है, पहले डायगोनल होल बने इनमें, गया इधर आ जाओ, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा। सबसे पहले डायगोनल वाला, थोड़ा सा उसमें ये लगेगा, जो साइड वाले वो लगाने, देखो आप साइड वाले कहाँ पे लगाने, यहाँ पे भी दो लूप होते हैं, एक आउटर का एक इनर का, लास्ट अंदर ग्राउंड शीट का, दोनों लगने चाहिए, ठीक है। ओके, और जो सबसे लास्ट में फिर आना आपने डोर पे, जो आपका डोर का है यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का एक लूप, एक ब्लैक कलर का स्ट्रैप दिया अलग से, ठीक है, उसमें आपने इसको हुक करना है, ठीक है। ये हो गया आपका टेंट,
प्रॉपर शेप में, अब इसको फिक्स करना है। अगर आप ऐसे रखोगे क्या होगा, विंड आएगी तो चला जाएगा ये उड़ के। तो अब पैक्स कैसे लगाना है, इसका एक तरीका है। इसके हाथ में जब भी हम पैक्स लगाते हैं देखना, तो क्या करना आपने, उसको लगाना 45 डिग्री के एंगल में। ये कोई भी ऐसा स्ट्रेट नहीं लगाएगा और कोई भी इस तरह से नहीं लगाएगा, 45 डिग्री इस तरह से, ये वाली टेक्निक, ये 45 डिग्री। क्लियर? ये क्यों लगाते हैं ऐसे पता है आपको, जब विंड आएगी तो क्या होगा, जब 45 डिग्री के एंगल में आपने पैग्स को हुक किया हुआ है तो क्या होगा, विंड उसको अंदर ले जाएगी, और जैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा ना टेंट पे, तो विंड उसको और अंदर ले जाएगी, बाहर नहीं निकालेगी। क्लियर? अगर हमने इस तरह से लगाया तो विंड आएगी तो उखाड़ के बाहर ले जाएगी, अगर स्ट्रेट लगाया तब भी निकल जाएगा वो। अगर हमने 45 डिग्री के एंगल में लगाया तो विंड जितनी आएगी वो इसको और अंदर ले जाएगी, वो निकाल नहीं पाएगी इसको। क्लियर? तो जब भी आप लगाओगे 45 डिग्री के एंगल में लगाना, सबसे पहले लगाना आपने पीछे और आगे। क्लियर? यहाँ पे देखो डोर, यहाँ पे भी डोर है और आगे भी है, ठीक है, छोटो फ्लैप है, ठीक है। तो जो पीछे वाला है वो यूज नहीं करना आपने, उसमें क्या, ये देखो इस तरह का हुक ये दिया हुआ आपके पास, इन दोनों में आपने पैग्स को डालना है अंदर, दोनों हुक में, ठीक है। उसके बाद आपने 45 डिग्री के एंगल में इसको हुक करना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद डोर में करना आगे, और डोर में क्या है, डोर में दोनों जगह दिया होगा, लेकिन आपने क्या करना, जो जिप वाला है उसमें नहीं करना हुक, जैसे ये जिप वाला ना, इसको तो आपको खोलना है, ठीक है। आपने करना है जो आपका दूसरा फ्लैप है उसमें करना है, दूसरा फ्लैप में, दूसरे इस फ्लैप में नहीं करना है। इसमें भी देखो हुक दिया हुआ है, ये देखो, अगर इसमें आपने हुक कर दिया तो आप जिप नहीं निकाल पाओगे ऊपर, इसको ओपन रखना है। और उसके बाद जो पार्ट आता है यहाँ पे, ये वाली जो जगह, दूसरी जो जगह है, इसमें देखो ये होता आपका, जहाँ पे आप कैंप कर रहे हो, यहाँ पे विंड है कि नहीं है वो सब कुछ करके तब आप उसको हुक करना। अगर सपोज यहाँ पे विंडी है तो हम इसको हुक करेंगे, सारा पूरा पैक करेंगे, ठीक है। अगर लग रहा है कि विंडी नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अपना पैक संभाल के रख दो। अगर आपने फिर भी सेफ्टी के लिए करना है तो जो साइड कॉर्नर है, फोर कॉर्नर, उनमें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह करने की वो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर विंडी है, मौसम खराब है, तब आपने सारा हुक करना है, सब जितने भी आपको लूप दिख रहे हैं सब जगह आपने हुक करना है। अगर वेदर खराब है या फिर विंडी, बहुत विंडी जगह है, तो आपने सब जगह हुक करना है जितने भी आपका आता है, बाकी ये आप छोड़ सकते हैं। अब क्या कि टेंट मूव नहीं करेगा, देखो टेंट एकदम हुक हो गया, नॉर्मल चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि जब आप तो अंदर जाओगे आपका सामान भी आएगा अंदर, मैट्रेस बिछेगा तो उसके ऊपर वेट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये था टेंट पिच करने का तरीका। अभी टेंट पिचिंग में किसी को कोई डाउट? नो। किसी को कोई डाउट? ये स्लोप रहेगा तो किसी भी, देखो स्लोप का ये रहता है, आप कहीं भी जाओ ट्रैक पे या कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, इसको हम वो नहीं, स्ट्रेट नहीं कर सकते, ये ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा। हाँ, कहीं पे फ्लैट लैंड मिल रहा है आपको, कहीं पे ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे आपको अच्छा स्लोप मिलेगा, बट अगर कहीं ऐसे इस तरह से मिल रहा है तो आपको इसी में पिच करना पड़ेगा। मगर उसका गेट अप स्लोप पे रखना है कि डाउन? डाउन, डाउन, डाउन। मैंने बताया ना आपको माउंटेन टू वैली, ठीक है, आपका गेट माउंटेन टू वैली रहेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे ग्राउंड में भी पिच कर रहे हो ना, सपोज ये ग्राउंड है पूरा लेवल है, लेकिन वैली उस साइड है, ग्राउंड ऊपर है, सॉरी माउंटेन ऊपर है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं कि आपका फ्लैट है तो आप ऊपर को ही पिच कर रहे हो, ऐसा नहीं, वैली को ही करना, क्योंकि आपको आगे व्यू भी तो देखना है, उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। अगर आपका हेड पीछे रहे तो ब्लड सर्कुलेशन वो आपका गलत हो जाता है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ठीक है, और किसी को डाउट टेंट पिच करने में? सबको पता चला टेंट कैसे पिच होगा? ओके, अभी अनपिच करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे फ्लैप दिए हुए हैं, अगर किसी को लग रहा है सफोकेशन हो रहा है तो इनको इस तरह से ओपन रख सकते हैं आप, यहाँ से विंड पास होगी, ठीक है, ये वाले। अंदर भी जब आप अंदर जाओगे टेंट में, आप देखोगे नेट लगा हुआ अंदर, तो वो आपको एयर पास होने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अभी देखो अनपिच कैसे करना है, अनपिच करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने सबसे
लास्ट में क्या वो सबसे पहले कर लो उल्टा क्या किया आपने सबसे लास्ट तो निकालो छोटे छोटे पैकेट जो सबसे लास्ट में क्या वो सबसे पहले करना फिर निकाल जोर और जब भी आप कोई भी इक्विपमेंट जैसे निकाल रहे हो कोई भी टेंट का तो उसको एक साथ रखना एक जगह पे कोई क्या तो निकाल के यहाँ फेंक रहा है कोई वहाँ फेंक रहा है नेक्स्ट कैंप साइट पे आपको मिल ही नहीं रहा है तो उसको एक साइड एक जगह प्रॉपर इकट्ठा करके रखना है किट में किट बैग बने हो उसके अंदर डालना है ठीक है और उसके बाद क्या किया था साइड्स में हाँ साइड्स के लूप निकालो और इसको भी ऐसे ही रखना ऐसे नहीं रखना नहीं तो होल हो जाएगा डायगनल लो साइड के जो है साथ उनको साइड के पहले कर दिया मैंने साइड के सब निकालने हैं एक साइड साइड के निकालो डोर के ये भी निकाल दो ओके पहले एक मिनट मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका तब टूटेगी नहीं स्टिक ये तो क्या होता है स्टिक बीच में टूट जाती है अभी आप कैसे करना है कि स्टिक बीच से टूटे ना निकलते हुए नहीं तो क्या होता है बीच से निकल जाती है फोल्ड करते करते निकलता है बहुत प्रॉब्लम आती है आपको स्टिक को बाहर निकालना फोल्ड करते करते ओके आपने क्या करना है स्टिक को जब भी आप निकाल दो स्टार्टिंग करनी है वहीं से मैंने आपको बताया ना वही रूटीन फॉलो करनी है जो हमने की हुई थी ओके हमने पहले क्या लगाई थी डायगनल लगाई थी तो हमने डायगनल ही निकाली अब इसको कैसे निकालना है आपको क्या करना है इसको हल्का सा बेंड करना है यहाँ पे आप जब इसको हल्का सा बेंड करोगे तो ये बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगी अगर आप सीधा पुल कर रहे हो तो ये बीच में ब्रेक हो सकती है अगर आपने हल्का सा डायगनल किया तो ये आराम से निकल जाएगा पूरा स्टिक निकल जाएगी कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं हो रही है ठीक है निकालने के बाद इसको प्रॉपर रखो नीचे या फिर फोल्ड करो ठीक है उसके बाद सेम टेक्निक सब में करनी आपने इसको हल्का टेढ़ा किया ऊपर कुछ बेंड किया हल्का बेंड करना पूरा बेंड तोड़ना नहीं है हल्का सा बेंड करना फोल्ड करना हाँ फोल्ड करो और उसके बाद फोल्ड करना और देखो फोल्ड करने का तरीका क्या है स्टार्टिंग से करना है बीच से फोल्ड करोगे तो फिर आपको फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी जो उसका एंड पॉइंट है वहां से फोल्ड करते हो जाना इस तरह से ठीक है इस तरह से फोल्ड करोगे तो इजी होगा आपको ला बेटा ये सुरेश मैं खोल दिया हूं ये करो ये करो गुजराती आवड़े छे ओ भाई हां गुजराती आवड़े छे गुजराती सीखना पड़ेगा नहीं तो टूरिस्ट से बात कैसे करोगे 50% गुजराती मिलने वाले और जैसे स्टिक फोल्ड होगी उसके बाद प्रॉपर उसी में डालना है किट पैक में जितना भी आप थोड़ा जोर लगाओ सारा किट पैक में डालना हिंदी के भी बंद है हिंदी के भी बंद है नहीं अरे खत्म होता ही सीख जाने कौन सी हिंदी हिंदी इसको फोल्ड करने का भी कोई तरीका है लास्ट में करेंगे ये देखो।